चलो बाय। तो गाइस अभी हम इस कपकेक ट्रे में अपना मिक्सचर डालते हैं। तो चलिए अभी हम मिक्सचर डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह, आप देख सकते हैं ये मैंने अपने वन कपकेक को डाल लिया है प्लेट में। तो अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना सॉफ्ट टेस्टी मजेदार लग रहा है। अभी हम इसे तोड़ते हैं। तो गाइस अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और अच्छी तरह से छानेंगे भी ताकि बड़े बड़े डिशेज ना हो उसके छोटे छोटे हो, जैसे चीनी का बड़ा पीस बन जाता है पाउडर फॉर्म में, तो उसको भी हम ऐसे मिक्स करने से वो दूध के पाउडर फॉर्म बन जाता है। इसीलिए हमने ये देखते हैं कितना हो रहा है, निकल पत्ता जैसे बन रहे हैं बड़े बड़े इसके पीस, तो इसीलिए मिक्स करने से ना ये टूट जाते हैं। तो गाइस अब मैंने इसको छान लिया है और अब हम इसे मिक्स करेंगे मिक्स अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो मैं भी अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरह से प्यार से, जल्दी नहीं करनी वरना आपका सारा ये जो नहीं है मिक्सर ये बैंड भी निकल सकता है, तो मैं भी आराम आराम से करता हूँ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बनाएं और आराम से खाएं। तो गाइस मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम डालेंगे इसमें सिरका, ऑयल और एग। सबसे पहले हम डालेंगे सिरका, ये हमने अपना सिरका डाल लिया, फिर हम डालेंगे ये ऑयल, फिर हम अब डालेंगे अंडा। तो गाइस मैंने सारा कुछ डाल लिया, अंडा भी डाल लिया, तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई देखते हमारा मिक्सर कितना फ्लफी तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट मिक्सर है, तो लम्स भी नहीं है इसमें, एक भी लम्स नहीं है, कितना स्मूथ है ये देख सकते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स भी किया, ये देख सकते हैं इतना अच्छा मेरा मिक्सर लग रहा है। अभी हम इसे बेक भी करेंगे, तो चलिए चलते हैं इसे बेक करते हैं। तो गाइस हमारे पास कपकेक लाइनर नहीं था, तो हमने ऐसे भी ना एक बार बारिश है तो हम बाजार जाने से रहे, ऊपर से बहुत ठंड थी, इसलिए हमने अपने कपकेक में ऑयल लगाया है। अब ये नहीं चिपकेंगे, अगर आपके पास भी कपकेक लाइनर नहीं है तो आप भी ऐसे ही करके अपनी ट्रे में लगा के ऑयल अच्छी तरह से करके फिर आप बना सकते हैं केक, तो चिपकेक यानी। तो इसी तरह मैंने भी लगा दिया ऑयल अच्छी तरह से, तो अभी हम इसमें अपना मिक्सचर डालेंगे, तो चलिए डालते हैं अपना मिक्सचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मिक्सचर से सिर्फ 12 कपकेक्स ही बन सकते हैं, अगर आपने ज्यादा कपकेक्स बनाने हैं तो आप और मिक्सचर बना लीजिएगा। What we do here is go back. आप देख सकते हैं हमें ज्यादा बहुत ज्यादा मिक्सचर नहीं डाला, नॉर्मल डाला है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मिक्सचर डालेंगे बहुत ज्यादा डालेंगे तो जब ये कपकेक फूलेगा तो ऊपर आ जाएगा मिक्सचर, अभी फूल रहा होगा तो सारा ऊपर आ जाएगा मिक्सचर, तो मिक्सचर गिर जाएगा, तो इसीलिए आपने नॉर्मल डालना है। मैं भी नॉर्मल डाल रहा हूँ। गाइस ये हमारे जो ट्रे है मिक्सचर वाली ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है ओवन बेक होने के लिए, तो अभी हम इसे ओवन में रखेंगे 18 से 20 मिनट के लिए, 18 से 20 मिनट के लिए, तो चलिए इसे रखते हैं ओवन में। रेडी हो चुके हैं, मैंने 20 मिनट्स बाद इसे डाल दिया, अभी ये सही से बेक हो चुके हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं अभी हम इसमें
फिर इसे खाएंगे, टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसा बना है। तो चलिए चलते हैं इसे टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने अपने वन कपकेक को डाल लिया है प्लेट में। तो अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना सॉफ्ट टेस्टी मजेदार लग रहा है। अभी हम इसे तोड़ते हैं। ये अंदर से इतना चॉकलेटी और सॉफ्ट, इसके अंदर से चॉकलेट भरी हुई है, कितना मजेदार डिलीशियस लग रहा है। अभी हम मुझे तो मजा ही आ गया। तो अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसे टेस्ट करते हैं। गाइस मैं टेस्ट करने लगा हूँ, तो ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसका रेटिंग देने लगा हूँ। ये बहुत ही यम्मी है गाइस, इसके अंदर से चॉकलेट निकल रही है, बहुत ही मजे का। जैसे बैठा है गुआवा कप केक नहीं होता, हलाल कप केक वगैरह, उसके अंदर से चॉकलेट निकल रही है, बहुत ही मजे का। अभी मैं इसको पूरा खाता हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। और तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो छोटे को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड बाय।